को मिली एक और बड़ी सफलता, तस्कर सहित गांजे से भरी चार पहिया वाहन जब्त। पूरा मामला गांजे की तस्करी का है। आपको बता दें कि सरिया थाना उड़ीसा सीमावर्ती क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। यहां आए दिन अवैध शराब की तस्करी, गांजे की तस्करी आम बात है, जिसका ताजा उदाहरण आज देखने को मिला, जिसमें सरिया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल गांजे से भरी एक चार पहिया वाहन सरिया बरमकेला होते हुए चंद्रपुर की ओर जाने की सूचना मुखबिर से मिली, जिस पर सरिया थाना प्रभारी आशीष वासनिक ने गांजा से भरी वाहन को पकड़ने के लिए क्षेत्र के सभी मार्गों में पुलिसिया जाल बिछा दिया और सामने से तस्करों को जाते देख पीछा करने लगे आरोपियों को। तभी लगा कि अब पकड़े जाएंगे। टिमर लगा खनिज जांच चौकी के पास चलती गाड़ी से भागने लगे, लेकिन मुस्तैद पुलिस ने भी हार नहीं मानी। गांजे से भरी वाहन के साथ एक तस्कर को धर दबोचा। जो आज सरिया थाना पुलिस ने गांजा पे कार्रवाई की है पूरी मामले में। मुखबिर की सूचना पर सरिया पुलिस ने लत नहर के पास एक टाटा सुमो, एक आरोपी, एक क्विंटल 75 किलो गांजा जिसकी कीमत 8,75,000 रुपये है को पकड़ा है। फरार आरोपी के बारे में पुलिस को जानकारी प्राप्त हो चुकी है। उसको इसकी गिरफ्तारी के लिए पार्टी रवाना की गई है। प्रकरण में 20B NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई